सर केमिकल सेक्टर में बढ़िया तेजी पीछे देखने को मिली है, टाटा केमिकल्स कैसा दिख रहा है? देखिए टाटा केमिकल सोडा ऐश बनाता है और कंट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है। इनफैक्ट सोडा ऐश की कीमतें पिछले 3-6 महीने में काफी अच्छी तरह से बढ़ी है, क्योंकि पहले तो इम्पोर्ट्स कंट्रोल्ड होते और यहाँ पे गिने चुने 2-3 प्लेयर्स है, जैसे कि GHCL है, फिर टाटा केमिकल्स है, DCW है। तो मेरे ख्याल से जब तक FMCG सेक्टर, उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर, ग्लास सेक्टर में तेजी रहेगी, तब तक मेरे ख्याल से टाटा केमिकल्स को काफी अच्छा आउटलुक रहेगा। दूसरी बात, टाटा केमिकल्स ने डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी टाटा ने कहा है कि वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो अगले 1.5-2 साल में पॉसिबल होगा। तो ये तो कम्प्लीटली अनरिलेटेड बिजनेस हो गया, लेकिन 1.5-2 साल के बाद मार्केट इसको बैटरी के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी। तो अभी तो इन्वेस्टमेंट फेज में ये प्रोजेक्ट है, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अगर कोई इस लेवल से भी अगर कोई पैसा डालता है तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। मेरे ख्याल से टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। ठीक है, तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें, अच्छी खासी कमाई हो सकती है टाटा केमिकल।